Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Applied Chemistry of second semester, Civil, Electrical and Mechanical branch. I am Professor Swati Ingre from Department of Chemistry, NIT Polytechnic, Nagpur. हमने start किया है हमारे unit जिसका नाम है water. तो आज के इस video में हम पढ़ने वाले हैं bad effects of using hard water. वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कोर्स आउटकम जो है वो जान लेते हैं. तो मैकेनिकल और सिविल स्टूडेंट के लिए कोर्स आउटकम है यूज रिलेवेंट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस टू सॉल्व इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम. एंड इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए है सिलेक्ट द रिलेवेंट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर वेरियस एप्लीकेशन. इंडस्ट्री में वाटर जो डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आते हैं तो उनके साथ कैसे डील करना, ये जानकारी आपको इस चैप्टर से मिलने वाली है. लर्निंग आउटकम, स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द बैड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग हार्ड वाटर. हार्ड वाटर के इंडस्ट्रियल यूज़ करते समय कौन से बैड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं वो जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है. तो हमने स्टार्ट किया है हमारा यूनिट जिसका नाम है वाटर. हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा. तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर. हार्ड वाटर किसे कहते हैं, सॉफ्ट वाटर किसे कहते हैं. देन कॉजेस ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर. जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स, कौन से सॉल्ट, तो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स, इन वजह से जो हार्डनेस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम उस वाटर को हार्ड वाटर कहते हैं. देन टाइप्स ऑफ हार्डनेस, हमने तीन टाइप पढ़े हैं हार्डनेस के, एक टेम्प्रेरी हार्डनेस, एक परमानेंट हार्डनेस, और दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी टोटल हार्डनेस की. देन यूनिट ऑफ हार्डनेस, तो हार्डनेस का यूनिट होता है PPM, दैट इज़ पार्ट्स पर मिलियन. और हमने वाटर में हार्डनेस प्रेजेंट है तो कितना प्रेजेंट है वो जानने के लिए हमने एक मेथड भी पढ़ी है जिसे कहा जाता है EDTA मेथड. इससे रिलेटेड हमने एक प्रैक्टिकल भी पढ़ा है. आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो भी देखा होगा. तो आज हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ बैड इफेक्ट ऑफ यूजिंग हार्ड वाटर. जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक वाटर का ये कुछ आउटलेट जैसा दिख रहा है, एक तरफ उसमें से सॉफ्ट वाटर निकलता है तो पूरी तरह से क्लीन दिख रहा है, और एक साइड में उसमें से हार्ड वाटर निकलता है तो उसकी वजह से वहाँ पर कुछ तो भी लेयर बनी हुई दिखाई देती है. ठीक है, तो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी हम हार्ड वाटर जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते. डोमेस्टिक पर्पज़ मतलब जैसे वॉशिंग है, क्लीनिंग है, बाथिंग है, ड्रिंकिंग है, कुकिंग है, उसमें भी एक हार्डनेस की परमिसिबल लिमिट होती है, उतने ही हार्डनेस का वाटर हम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसके कुछ बैड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. लेकिन हमारे सिलेबस में हमें हार्ड वाटर के इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो कौन से बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो देखना है. तो चार तरह के बैड इफ़ेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं. पहला हम पढ़ेंगे बॉयलर करोजन. यहाँ पे मैं लिस्ट बता देती हूँ, फिर डिटेल में हम वन बाय वन एक एक पढ़ेंगे. देन कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट. देन थर्ड प्रॉब्लम जो आता है दैट इज़ कॉल्ड एज प्राइमिंग एंड फोमिंग. और लास्ट वाला जो प्रॉब्लम है दैट इज़ कॉल्ड एज स्केल एंड स्लज. तो इस वीडियो में हम बॉयलर करोजन और कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम प्राइमिंग, फोमिंग और स्केल एंड स्लज के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ मीन बाय बॉयलर करोजन. तो बच्चों आप लोगों को पता होगा कि इंडस्ट्री में, फिर वो केमिकल इंडस्ट्री हो, कोई मैकेनिकल इंडस्ट्री हो, सिविल से रिलेटेड इंडस्ट्री हो, तो वहाँ पे वाटर जो है वो यूज़ होता है ना. इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में भी वाटर यूज़ होता है. तो वाटर का वहाँ पे किस तरह से उपयोग किया जाता है, तो वाटर इज़ यूज एज ए सॉल्वेंट. कोई चीज़ बनाने के लिए एज ए सॉल्वेंट उसको यूज़ किया जा सकता है. इट इज़ यूज एज ए हीटिंग एजेंट, इट इज़ यूज एज ए कूलिंग एजेंट, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी वाटर जो है वो यूज़ किया जाता है. तो ये सब प्रोसेस जब इंडस्ट्री में होती है तो वाटर को हीट करने के लिए वहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिनको कहा जाता है बॉयलर. अब इन बॉयलर में अगर हम हार्ड वाटर रखते हैं तो हार्ड वाटर में जो सॉल्ट्स हैं उनकी वजह से वो बॉयलर का मटेरियल धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, उसके ऊपर जंग चढ़ने लगता है, जिससे कहा जाता है बॉयलर करोजन. तो इसका हम सिस्टमेटिक डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं. आप ये डायग्राम से समझ सकते हैं, ये एक बॉयलर है और जब हम उसका इनर सर्फेस देखते हैं तो यहाँ पर जंग चढ़ा हुआ है, इसीलिए इसको कहा जाता है बॉयलर करोजन.
तो बॉयलर करोजन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, बॉयलर करोजन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉयलर मेटल। बॉयलर मेटल का धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वो खराब हो रहा है, उसकी लाइफ कम हो रही है, बाय द एक्शन ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये बॉयलर करोजन किस वजह से होता है, पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन और CO2 होता है उस वजह से, एज वेल एज द डिजॉल्व सॉलिड्स। ठीक है, डिजॉल्व सॉलिड मतलब हार्डनेस के लिए जो सॉल्ट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसमें भी कौन सा वाला, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैंने आप लोगों को बताया था कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, कौन से, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। लेकिन इसमें से ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, दिस मैग्नीशियम क्लोराइड इज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉयलर करोजन। दिस यूजुअली रिजल्ट इन द डीप होल इन द मेटल। इसकी वजह से बॉयलर का जो मटेरियल होता है, वो जो मेटल होता है, उसमें डीप होल, छेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर लीक होने लगता है और हमारा जो इंडस्ट्रियल पर्पस वाटर को यूज़ करने का है वो डिफिट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि कैसे होता है। जैसे अगर पानी में क्या प्रेजेंट रहता है, मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पे दिया हुआ है, अभी अभी मैंने बात की कि हार्डनेस के लिए तो 8 सॉल्ट रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन स्पेसिफिकली बॉयलर करोजन के लिए उसमें से कौन सा सॉल्ट रिस्पॉन्सिबल है, MgCl2 मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड। ये कैसे होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस फ्रॉम MgCl2। ये जो MgCl2 होता है मैग्नीशियम क्लोराइड, इसकी वजह से बॉयलर में कौन सा एसिड तैयार होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस अटैक्स द बॉयलर इन द चेन लाइक रिएक्शन प्रोड्यूसिंग HCl अगेन एंड अगेन विच करोड्स द बॉयलर सीवियरली। देखिए ये रिएक्शन कहाँ से शुरू होता है, MgCl2 जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो उन दोनों के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होती है उससे बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और साथ में बनता है MgOH2। अब ये जो कुछ भी HCl है ये बनने के बाद रुकता नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और हमारा जो बॉयलर है वो कौन से मटेरियल से बना हुआ है, Fe मतलब आयरन, तो वो HCl अब किसके कांटेक्ट में आ गया, आयरन के कांटेक्ट में आ गया। तो Fe के साथ जब HCl की रिएक्शन होती है तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू FeCl2, आयरन क्लोराइड में वो कन्वर्ट हो जाता है विद द रिमूवल ऑफ H2 गैस। की कौन सी गैस बनती है, H2 गैस। अब ये जो FeCl2 है ये बॉयलर में ही प्रेजेंट है, बॉयलर में ही बनता है, और बॉयलर में वो फिर से किसके कांटेक्ट में आता है, ट्वाइस H2O मतलब वाटर के कांटेक्ट में आता है। तो FeCl2 और वाटर इनकी केमिकल रिएक्शन होके फिर से बनता है FeOH2, दैट इज फेरस हाइड्रोक्साइड, और साथ में फिर से बनता है ट्वाइस HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब रिएक्शन MgCl2 से शुरू हुई, पहली बार HCl बना, HCl बॉयलर के मटेरियल के साथ रिएक्ट हुआ, उसने FeCl2 बनाया, FeCl2 फिर से वाटर के साथ रिएक्ट किया और फिर से क्या बनेगा, HCl। फिर से ये HCl किसके ऊपर जाके अटैक करेगा, बॉयलर के मटेरियल के ऊपर, और ये चेन रिएक्शन जो है वो वहाँ पे फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बार 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 HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनते जाता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज वेरी वेरी करोजिव, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बहुत ज़्यादा करोजिव होता है, कोई भी मेटल अगर इसके कॉन्टैक्ट में आता है तो उसके ऊपर जंग चढ़ा देता है। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसके लिए सोल्यूशन भी दिया हुआ है। करोजन बाय HCl कैन बी अवॉइडेड बाय द एडिशन ऑफ अल्कली टू द बॉयलर वाटर। अब ये जो HCl है, ये HCl का अगर इफेक्ट हमको कम करना है तो इसके लिए कंट्रोल मेजर क्या है, तो ये HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो अगर हम इसमें थोड़ी क्वांटिटी में एल्केली मतलब बेसिक सब्सटेंस डाल देते हैं, तो क्या होगा, वो अल्कली उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसकी वजह से पानी जो है वो बॉयलर के मटेरियल का करोजन नहीं कर पाएगा। तो ये है इसके ऊपर का सोल्यूशन। देन अब दूसरा कंसेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसे नाम दिया गया है कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। तो बच्चों तो आप लोगों को हमेशा ये याद रखना है, जहाँ पे भी कॉस्टिक वर्ड आया हुआ है, कॉस्टिक CAUSTIC, तो दैट वर्ड इज़ रिलेटेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। तो जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हार्ड वाटर में से
बॉयलर मटेरियल के ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH जो है वो डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम अराइज होता है दैट इज कॉल्ड एज कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट. ओके, तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटल एंड इनक्रिस्टलाइन क्रैक्स इन द बॉयलर शेल ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्टिक सब्सटेंस. कॉस्टिक सब्सटेंस का मीनिंग होता है NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. देन सोडियम कार्बोनेट इज यूज इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर बाय लाइम सोडा प्रोसेस. ड्यू टू दिस सम सोडियम कार्बोनेट मे बी लेफ्ट बिहाइंड इन द वाटर. बॉयलर में हम जब वाटर यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से बॉयलर में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इसीलिए ये जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके बाद ही उसको हम किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में ये वाटर सॉफ्टनिंग मेथड्स पढ़ने ही वाले हैं. तो उसमें से एक मेथड होता है जिसे कहा जाता है लाइम सोडा प्रोसेस. इस प्रोसेस में वाटर को, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए उसमें डाला जाता है सोडियम कार्बोनेट. उसमें क्या डाला जाता है? सोडियम कार्बोनेट. अब ये जो कुछ भी सोडियम कार्बोनेट लाइम सोडा प्रोसेस में डाला जाता है उसकी वजह से कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है वो हम देखते हैं. तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है Na2CO3. ये Na2CO3 जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे बनता है ट्वाइस NaOH, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है? O2 गैस मतलब ऑक्सीजन गैस वहाँ पे बनता है. फिर से एक बार मैं रिएक्शन बताती हूँ. Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो वहाँ पे बनता है ट्वाइस NaOH प्लस O2 गैस, मतलब वहाँ पे बना सोडियम हाइड्रोक्साइड. दिस कॉस्टिक वाटर फ्लोज इनटू द माइन्यूट हेयर क्रैक्स यूजुअली प्रेजेंट ऑन द बॉयलर मटेरियल थ्रू द कैपिलरी एक्शन. आप लोगों को पता होगा कि जब भी किसी बर्तन में हम बहुत ज़्यादा बार पानी गर्म करते हैं तो उस बर्तन का जो इनर सरफेस होता है उसमें छोटे छोटे ऐसे कुछ माइन्यूट क्रैक्स या कुछ रफ सरफेस जो है वो डेवलप हो जाता है. तो बॉयलर तो इतना बड़ा मटेरियल होता है, उसमें तो रोज़ कितना सारा पानी जो है वो बॉयल किया जाता है, जिसकी वजह से बॉयलर के इनर सरफेस के ऊपर छोटी छोटी माइन्यूट क्या डेवलप हो जाती है? क्रैक डेवलप हो जाती है. अब क्या होता है, ये जो कुछ भी NaOH है वो NaOH उस क्रैक में जाके क्या हो जाता है? डिपॉजिट. फिर आगे क्या होता है वो देखते हैं. हियर वाटर इवेपरेट्स एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली विच अटैक्स द सराउंडिंग एरिया देयर बाय डिजॉल्विंग द आयरन ऑफ द बॉयलर एज अ सोडियम फेरेट. ठीक है, अब वाटर जो है वो उसमें ही NaOH बना हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला जो वाटर है उन हेयर क्रैक्स में जाता है. देन वो बॉयलर को हम कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं, तो हीट करने की वजह से क्या होता है, पानी जो है वो हीटिंग की वजह से इवेपोरेट हो जाता है और वो जो NaOH है वो उन हेयर क्रैक्स में डिपॉजिट होते जाता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पर बढ़ते जाता है, और जिसकी वजह से ये जो NaOH है ये बॉयलर के मटेरियल के साथ जो आयरन से बना हुआ होता है उसके साथ रिएक्ट करता है और वहाँ पे एक केमिकल का फॉर्मेशन होता है जिसे कहा जाता है सोडियम फेरेट, और जिसकी वजह से कौन सा प्रॉब्लम अराइज होता है? कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट. कौन सा प्रॉब्लम अराइज होता है? कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट. ठीक है, ये डायग्राम के माध्यम से मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ. जैसे ये बॉयलर का मटेरियल है जो किससे बना हुआ है? आयरन से बना हुआ है. बार बार हम जो बॉयलर है उसको हीट करते हैं, जिसकी वजह से उसके इनर सरफेस पे माइन्यूट क्या डेवलप हो जाती है? क्रैक्स डेवलप हो जाती है. अब ये जो कुछ भी वाटर है, इस वाटर में सोडियम कार्बोनेट की वजह से जो हमने वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए डाला था उसकी वजह से वहाँ पे ये जो केमिकल रिएक्शन मैंने आप लोगों को बताई ना, ये सोडियम कार्बोनेट जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट होता है और उसके बाद क्या बनता है? NaOH. तो ये जो कुछ भी NaOH वाला वाटर है वो इस क्रैक में जाके डिपॉजिट हो जाता है, वहाँ पे जाके रुक जाता है. देन हम कंटिन्यूसली इसको हीट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है और यहाँ पे किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है? NaOH. और ये जो कुछ भी NaOH है इट इज़ अ अल्कली मटेरियल, और अल्कली मटेरियल के कॉन्टैक्ट में जब मेटल आता है तो उस मेटल का धीरे धीरे करोजन हो जाता है, जिसे यहाँ पे हम कहते हैं कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट, और धीरे धीरे वहाँ पे छेद होने लगता है, वो स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर टूट जाता है, तो ये हो गया है कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। तो फिर कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट की रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, उसके कंट्रोल मेजर्स क्या है? तो हम मैंने आप लोगों को बताया था कि NaOH तैयार होने का सबसे मेन रीज़न क्या है कि हम उसमें वाटर प्रोसेस मतलब हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए क्या ऐड करते हैं, सोडियम कार्बोनेट। अगर हम सोडियम कार्बोनेट ना डालते हुए उसकी जगह से हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे, सोडियम फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फेट अगर हम डालते हैं किसकी जगह पर, सोडियम कार्बोनेट में, तो जो है NaOH बनेगा ही नहीं, और NaOH नहीं बनेगा तो कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट होने का सवाल ही नहीं आता है। देन बाय एडिंग टैनिन एंड लिग्निन फॉर सीलिंग द क्रैक्स ऑन द बॉयलर सरफेस। ठीक है, अगर बॉयलर के सरफेस के ऊपर क्रैक ही नहीं रहेंगी तो वो NaOH वहाँ पे जाके डिपॉजिट नहीं होगा और वो मटेरियल ख़राब नहीं होगा। तो ये क्रैक्स को कैसे सील किया जा सकता है, तो उसके लिए सीलिंग एजेंट होते हैं जिसे कहा जाता है टैनिन एंड लिग्निन, उससे वो क्रैक सील हो जाएंगी। एंड बाय एडजस्टिंग द pH ऑफ वाटर बिटवीन 7 to 9, और अगर हमने बॉयलर की pH जो है वो 7 to 9 अगर एडजस्ट की, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक भी नहीं, बहुत ज़्यादा अल्कलाइन भी नहीं, तो हम ये जो कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट का प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं समरी कि आज के इस वीडियो से आपने क्या सीखा। ठीक है, तो आपने सीखा बैड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग हार्ड वाटर इन बॉयलर, जिसकी वजह से होता है पहला बॉयलर करोजन। बॉयलर करोजन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन सा सॉल्ट होता है, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, क्योंकि MgCl2 वाटर के साथ रिएक्ट करते हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बॉयलर के मटेरियल का धीरे धीरे करोजन करता है, जिसकी वजह से बॉयलर करोजन हो सकता है। और दूसरा इफेक्ट हमने पढ़ा कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट, इसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है सोडियम कार्बोनेट, जो हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए डालते हैं, क्योंकि ये सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ रिएक्ट करके वहाँ पे बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड डिपॉजिट होके उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ के बॉयलर का मटेरियल ख़राब होता है, तब उसे कहा जाता है कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। ठीक है, तो प्रोग्राम आउटकम क्या है, तो आपको ये हार्ड वाटर के बैड इफेक्ट्स के बारे में बेसिक जानकारी मिली है, साथ में ही ये चीज़ आपको लाइफ लॉन्ग जो है वो याद रहने वाली है आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी। असाइनमेंट जो हमने पढ़ा वही आपका असाइनमेंट है, आपको लिखना है बैड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग हार्ड वाटर इन बॉयलर कॉजिंग बॉयलर करोजन एंड कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, मैंने जैसे कि पहले आपको बताया था दो प्रॉब्लम हम ये वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम दो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो हार्ड वाटर की वजह से होते हैं, जिसे कहा जाता है प्राइमिंग एंड फोमिंग एंड स्केल्स एंड स्लज। सो डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।